अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम मेथी के पराठे बनाने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ हम इस रेसिपी को शेयर कर दें। तो हमने ये 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 1 कटोरी बेसन लिया है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने ये नमक लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 चम्मच लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी है, अजवाइन है और जीरा है थोड़ा सा। ये सब कुछ हम डाल देंगे इसके अंदर और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ये कसूरी मेथी पाउडर। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, मेथी के पराठे बन रहे हैं तो कसूरी मेथी थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर दे देती है। इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको सूखा मिला देंगे पहले अच्छे तरीके से। ये हमने मेथी को अच्छी तरीके से तोड़ के धो के छलनी में रख दिया है जिससे इसका पानी निकल गया है। अब इसके अंदर हम मेथी मिला देंगे। खूब सारी मेथी मिलाएंगे हम इसके अंदर और अब हम इसका पूरियों जैसा आटा गूंद लेंगे। तो ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। थोड़ी देर हम इसको रेस्ट पे रख देंगे और जब तक हम चटनियों की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे 1 चटनी लहसुन की और लाल मिर्च के लिए। तो उसके लिए हमने ये 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लिया है और उसके अंदर हम ये 2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसके अंदर हम नमक डाल देंगे 1.5 चम्मच। और इसको पानी डालकर हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये चटनी को हमने मिक्स कर लिया है और इधर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम ये चटनी डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मंदी आंच पर हम तलेंगे जब तक इसका तेल बाहर नहीं आ जाता। तो आप पानी डाल डालकर अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे जब ही अच्छी लगेगी। कच्ची चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और मुझे ये पराठों के साथ तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसकी भुनाई करते रहें, जब तक इसकी भुनाई हो रही है तब तक हम ग्रीन वाली चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये हमारी ग्रीन चटनी के लिए हमने 8-10 हरी मिर्च ले ली हैं, ढेर सारा हरा धनिया है और ये 15-20 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। तो इसको हम जार में डाल लेते हैं। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। जब इसके अंदर नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, चटनियों में थोड़ा नमक तेज ही अच्छा लगता है। और अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। ये हमारी चटनी पीस गई है, बस हमें इसी तरीके की चाहिए। और ये हमारी चटनी फ्राई हो चुकी है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये चटनी हमने निकाल के रख ली है, बहुत ही अच्छी तली है ये चटनी हमारी। अब हम ये हमारी ग्रीन चटनी को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमने ये तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको कच्ची भी खा सकते हैं, ये कच्ची चटनी भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसको फ्राई करूंगी। तो ये वाली ग्रीन चटनी भी हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना इसकी खुशबू चली जाती है और इसका कलर भी चला जाता है। बस हम इसको इतना ही फ्राई करेंगे और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये चटनियाँ तैयार हैं और ये इसके साथ साथ दही मैंने निकाल लिया है। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मुझे सिर्फ सिंपल दही इसके साथ बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो मेरी रेसिपी में डाल दूंगी आपको रायते की, वो बनाकर इसके साथ रख सकते हैं। तो ये हमारा तिरंगा देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और ये बन के तैयार है। अब हम अपने पराठों की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये तवा गर्म होने के लिए रख दिया है
अब हम अपने पराठे तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसके ये पेड़े बना लेंगे और इसको थोड़ा सा दबाकर हम बेल लेंगे। तो ये हमारा पराठा बेल गया है, अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। पराठे को हम एक बार पलट देंगे और इसको अच्छा कुरकुरा तेल डाल डालकर इसमें अच्छी तरीके से हम कुरकुरा फ्राई करेंगे, जब तक हम यहाँ दूसरा पराठा बेल लेते हैं और इसको हम गरम गरम ही सर्व करेंगे। एक तरफ से हमारा पराठा अच्छी तरीके से सिक गया है, अब हम इसके ऊपर ये ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ऐसे ही हम इसको पलट कर दूसरे तरीके से सेक लेंगे। तो ये पराठा हमारा फ्राई हो गया है, अब हम अपना दूसरा पराठा डाल देंगे। ये हमारा दूसरा पराठा बनने लगा है। तो हमारे ये पराठे बनके तैयार हो गए हैं, अब हम इसको गर्म गर्म ही सर्व कर देंगे। तो अब हम इसको गर्म गर्म ही सर्व कर देंगे। तो उसके लिए हम इसको प्लेटिंग कर लेंगे इसकी। ट्राई कलर ये है तो हम इसको तिरंगे का ही आकार भी देंगे। तो ये लीजिए हमारी तिरंगे वाली चटनी तैयार है और उसके साथ में ये हमारा पराठा बनके भी तैयार है। तो ये हमारी प्लेट लग चुकी है, आप गरम गरम ही इसको सर्व करें। तो कैसी लगी मेरी ये पराठे और चटनियों की रेसिपी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।